सादा रात
Oh.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
स्टार्टिंग वैसे अलग से गिर दूंगी वैसे जय जय सुंदर नंद कुमार 49 हो जयो जयो सुंदर नंद कुमार जयो जयो सुंदर नंद कुमार जयो जयो सुंदर Yeah.
जय श्री राधा रमन की।
नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे नाम यामानि उदिता जाचियाई हा भक्ति विनोदा
गौरचंद्राय राधिकाय सदाने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हे कृष्ण कर्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। अये दीनदयाल नाथ हे मथुरा नाथ पदावलोकिषे हृदयं तव अलोककातरं दयितप्रमति किं करोम्यहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये
कृपावैतं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार सभी हाथ उठाकर सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। आज भी एक बड़ी शुभ कामना थी जिस प्रकार से कल सभी भक्तों ने सारे विश्व में श्री नरसिंह चतुर्दशी अर्थात श्री नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस को बड़े भक्ति भावना से व्रत इत्यादि करके और श्री नरसिंह भगवान की महिमा को श्रवण करते हुए उस व्रत का पालन किया। उसी श्रृंखला में आज भी आचार्यों की तिथि श्री श्रीनिवास आचार्य एवं श्री मालविंद्र गोपाल जी की आज आविर्भाव तिथि जो प्रेम के अंकुर वह श्री मालविंद्र गोपाल जी जो विरह में कातर होकर उसी रस का आस्वादन करते हुए जिस रस का श्री राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी करते विषय विस्तार है इसका विस्तार है हम लोग सुनेंगे क्रमशः और साथ ही साथ श्रीनिवास आचार्य प्रभु नरोत्तम श्यामनम श्रीनिवास प्रभु तीन प्रभु से ही प्रचार आदि कार्य का विस्तार हुआ। श्री जीव गोस्वामी पाद जी के निकट शिक्षा अध्ययन इत्यादि करके प्रचार आदि कार्य को संपूर्ण विश्व में प्रचार हुआ। उन श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी की आज आविर्भाव तिथि और श्री राधा रमन जी वृंदावन के सप्त देवालय में प्रमुख श्री राधा रमन जी की आज प्रागट्य दिवस। क्या आश्चर्य की बात, श्री प्रहलाद जी के कारण नरसिंह भगवान सत्य विधातु निधिवृत्त भाषितम भक्त वत्सल श्री नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद जी के कारण हम्बे से प्रकट हुए और उसी क्रम में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विरह रूपी अश्रु के द्वारा श्री राधा रमन जी शालिग्राम जी से प्रकट हुए, श्री नरसिंह भगवान हम से प्रकट हुए और श्री राधा रमन जी शालिग्राम जी से प्रकट हुए। वहां पर श्री प्रहलाद महाराज जी के और यहाँ पर श्री गोपाल भट्ट, इसलिए बहुत सारी समताएं हैं दोनों की चरित्र को यदि हम श्लोक के माध्यम से शब्द करें बहुत कुछ है। हम क्रमशः इसको श्रवण करेंगे। आज मैं सबसे पहले हमारे श्री राधा माधव गौड़े भट्ट के ब्रह्मचारी देव उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे हमको श्रीनिवास आचार्य प्रभु एवं श्री माधवेंद्र गुरुपाद जी के समय में कुछ श्रवण कराएंगे, उसके पश्चात फिर मैं भी कुछ कहूंगा। ये मैं किन करूँगा Thank you.
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्धं शरणागतं चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदारेण कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद गुरु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यंगा प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी शिवभक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यंगा प्रविष्ण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी शिवभक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुकूल वर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्य बाद श्रीपाद भक्तिविदास सिद्धांत महाराज जी पूज्य बाद माधवप्रिय प्रभु जी और पूज्य बाद संजय प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरे दंड प्रणाम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज बहुत ही शुभ तिथि है, बहुत सारी तिथियाँ आज उपस्थित हुई हैं जिनमें से एक है श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के विषय में वर्णन आता है कि इनका जो जन्म हुआ वो है नदिया जिले के अंतर्गत चाखंदी ग्राम, जो कि कठुआ के पास में जो अग्रद्वीप है अग्रद्वीप से उत्तर दिशा की ओर पड़ता है चाखंदी ग्राम। इनके जो पिताजी श्री गंगाधर पंडित जी वो भी परम वैष्णव, उनके विषय में वर्णन आता है कि महाप्रभु जब कटवा में उपस्थित हुए थे संन्यास लेने के लिए तो जिस समय पे उनका केश मुंडन हो रहा था और सभी भक्तों क्रंदन कर रहे थे तो उस समय श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जो पिताजी श्री गंगाधर पंडित जी ये राठी देश ब्राह्मण थे के उस समय वहाँ पर उपस्थित थे और महाप्रभु का जब केश मुंडन हो रहा है तो उसको देखकर इतना क्रंदन कर रहे हैं और प्रेम में इतने अधिक उन्नत हो गए कि सब के सब भक्त लोग इनकी दशा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और तब से इनका नाम परिवर्तित कर दिया श्री चैतन्य दास। पहले इनका नाम था श्री गंगाधर पंडित, किंतु इनकी अवस्था को देखकर इनके प्रेम में उन्नतता को देख करके इनका नाम कर दिया श्री चैतन्य दास। तो श्री चैतन्य दास महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त। एक समय इनके मन के अंदर पुत्र प्राप्ति की कामना उत्पन्न हुई। जब पुत्र प्राप्ति की कामना उत्पन्न हुई तो विचार करने लगे कि मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न हुई। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे मन में ऐसी इच्छा है। तो दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, महाप्रभु के चरणों में उपस्थित होंगे और महाप्रभु को इस विषय में बतलाएंगे। तो दोनों पति पत्नी जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। जब महाप्रभु के निकट में उपस्थित हुए, महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया तो इनके बिना कुछ बोले ही महाप्रभु ने इनको देखते ही बोला कि जगन्नाथ तुम्हारी इच्छा को अवश्य ही पूरा करेंगे। अभी इन्होंने कुछ भी महाप्रभु को कहा नहीं। तो वहाँ पर उपस्थित जितने भक्त थे महाप्रभु के परिकर सबके सब जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए कि आखिर इनकी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसको जगन्नाथ जी पूरा करेंगे। तो महाप्रभु ने स्वयं ही बता दिया, कहने लगे कि जो चैतन्य दास है इनके हृदय में पुत्र प्राप्ति की कामना उत्पन्न हुई है और इनकी ये जो इच्छा है ये बहुत ही अत्यंत शीघ्र ही पूरी होगी। इनका जो पुत्र होगा उसका नाम होगा श्रीनिवास आचार्य और महाप्रभु कहते हैं कि वह कौन होगा, वह स्वयं मेरा द्वितीय देह मुझसे अभिन्न होगा। इसलिए जो श्री निवास आचार्य जी प्रभु जो हैं उनको महाप्रभु से अभिन्न ही माना जाता है, महाप्रभु से अभिन्न है। और मैं क्या करूँगा,
जो श्रीनिवास आचार्य हैं इनके माध्यम से मैं जो भक्ति ग्रंथ हैं उनका मैं सारे जगत में क्या करूँगा, प्रचार प्रसार करवाऊँगा। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, इनके माध्यम से जो भक्ति ग्रंथ हैं उनकी मैं रचना करवाऊँगा, और श्रीनिवास आचार्य प्रभु के माध्यम से जो भक्ति ग्रंथ हैं उनका मैं क्या करूँगा, वितरण करवाऊँगा सारी जगत में। तो उसके पश्चात जो श्री चैतन्य दास जी हैं और उनकी पत्नी महाप्रभु की आज्ञा लेकर के अपने स्थान में वापसी आ गए चाकंदी ग्राम में, और कुछ समय के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि बहुत ही अत्यंत सुंदर, जिनका नाम उन्होंने दिया श्रीनिवास। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो पुत्र के उत्पन्न होने पर ये उसको लेकर के फिर कहाँ आए, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरणों में उपस्थित हुए, महाप्रभु के चरणों में उपस्थित हुए। और उसके पश्चात जब अपने ग्राम में वापस पहुँचे तो जो पिता हैं श्री चैतन्य दास वो कौन है, वो तो महाप्रभु के भक्त हैं, तो इसलिए बचपन से ही अत्यंत बाल्यकाल से ही क्या है, जो श्री चैतन्य दास जो प्रभु हैं वो क्या करते हैं, अपने बालक को महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करवाते हैं। अब बचपन से ही महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं और इनका महाप्रभु के चरणों में अत्यंत क्या हो गया, अत्यंत गाढ़ प्रेम हो गया। इनके विषय में श्रवण करने में आता है कि इस समय बालक अवस्था में ये गए थे श्री अभिराम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जो श्री अभिराम ठाकुर जी हैं, जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व श्रवण भी किया था, उनके पास एक चाबुक थी, उस चाबुक से वो क्या करते थे, उस चाबुक से वो जिसको भी स्पर्श कर देंगे, जिसको भी इस चाबुक से मारेंगे तो क्या होगा, उसके स्पर्श होने से ही उस व्यक्ति को क्या होगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। चैतन्य मंगल, जय मंगल चाबुक, उस चाबुक का नाम जय मंगल चाबुक, तो वह ऐसा चाबुक था। तो इसलिए जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु दर्शन करने के लिए श्री अभिराम ठाकुर जी के, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने चाबुक से उनको तीन बार स्पर्श कराया, और जो छोटे बालक है श्रीनिवास आचार्य प्रभु वो प्रेम में इतने अधिक उन्मत्त हो गए, इनकी अवस्था अत्यंत ही गंभीर हो गई प्रेम में, तो जो श्री अभिराम ठाकुर की जो पत्नी है श्री मालिनी देवी, तो उन्होंने इनको निषेध कर दिया कि आप इनको और स्पर्श मत करवाइए, अभी छोटे बालक हैं। तो ऐसा भी इनके विषय में वर्णन आता है, बचपन से ही क्या है, महाप्रभु के परम भक्त हैं, तो अपने पिता से महाप्रभु जी की कथाओं को श्रवण करते हैं। कुछ समय के बाद क्या हुआ, इनके पिताजी ने देह को त्याग दिया। अब इनके पिताजी का देह त्याग होने के पश्चात इनको अपने पिता का अत्यंत विरह हो रहा है, इस भावना से, क्योंकि पिता कौन है, पिता है परम भक्त, जिनके माध्यम से ये भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे। और उसके पश्चात इनकी माता इनको चाकंदी ग्राम से लेकर के आ गई जाजी ग्राम, जाजी ग्राम जो कि इनके नाना जी का स्थान है जाजी ग्राम, और अब जाजी ग्राम में रहते हैं अपनी माता के साथ में। जाजी ग्राम के ही अत्यंत निकट में हैं श्रीखंड और बड़गंज, हम लोग वहाँ भी दर्शन करने भी गए थे, जाजी ग्राम, श्रीखंड, बड़गंज सब पास पास में हैं। तो जो श्रीखंड में है वहाँ पे महाप्रभु के बहुत से परिकर रहते हैं, श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी, श्री रघुनंदन ठाकुर जी, और श्री अभिराम ठाकुर, श्री चिरंजीव सिंह, सुरचंद दास, इस प्रकार से महाप्रभु के वहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं। अब ये क्या करते हैं, वहाँ पे उन भक्तों का संग करते हैं, और इनका श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के चरणों में विशेष अनुराग हो गया, उन्होंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। महाप्रभु ने श्री नरहरि सरकार ठाकुर को अपने अप्रकट होने से पूर्व इंगित प्रदान कर दिया कि मैं बहुत अत्यंत शीघ्र में क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित करने वाला हूँ, और इसलिए उन्होंने श्री नरहरि सरकार ठाकुर को एक ग्रंथ रचना करने की आदेश दिया था, जो उन्होंने रचना थे जिसका नाम है श्री भजनामृत। तो श्री नरहरि सरकार ठाकुर तो जानते हैं कि महाप्रभु अप्रकट होने वाले हैं, तो इसलिए इन्होंने जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं उनको बताया, क्योंकि जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं इनसे अत्यंत प्रीति करते हैं, कि कहा कि तुम जाकर के महाप्रभु के दर्शन कर लो, कि महाप्रभु अत्यंत शीघ्र ही अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित करने वाले हैं। तो फिर वहाँ से वैष्णवों के आदेश को लेकर के, अपनी माता के आदेश लेकर के जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में अभी आधे मार्ग में पहुँचे थे कि इनको संवाद मिला कुछ भक्तों के माध्यम से कि महाप्रभु ने अपनी अप्रकट लीला कर दी है। अब जिनके विषय में बचपन से ही कथा श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु के चरित्र के विषय में, और उनके दर्शन करने की इतनी अधिक उत्कंठा है, दर्शन करने के लिए जब जा रहे हैं, मार्ग में पता लगा
कि उन्होंने अपना का टीला कर दिया तो अत्यंत देहाघातक हो गई और निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने प्राणों को धारण नहीं करूँगा, कि अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसी रात्रि में श्रीमद महाप्रभु ने इनको दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि तुम जगन्नाथपुरी में आ जाओ। फिर श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु के आदेश को पा करके जगन्नाथपुरी में आ गए तो वहाँ पे महाप्रभु के जो अन्य अन्य भक्त श्री गदाधर पंडित जी, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी, श्री राय रामानंद जी और श्री गोविंद प्रभु, उन्होंने भक्तों के दर्शन किए और वहीं पे श्री गदाधर पंडित जी के पास में रह गए और वहाँ पर उनसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने लगे। अब श्रीमद् भागवतम का कुछ समय उन्होंने श्रवण किया तो जो श्री गदाधर पंडित जी हैं वो तो महाप्रभु के जो प्रेम में हैं अत्यंत विवल हो रहे हैं। जब भी श्रीमद् भागवतम कथा का पाठ करने जाते हैं तो नेत्रों से इतने अश्रु प्रवाहित होते हैं कि अश्रु प्रवाहित होते होते जो ग्रंथ है उसमें उनके अश्रु गिरते और वो जो ग्रंथ के जो कागज जो पन्ने हैं वो क्या हो गए, अश्रु गिरने से वो धुंधले धुंधले से हो गए। तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य प्रभु को कहा कि तुम एक अन्य श्रीमद् भागवतम ले आओ, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कराऊँगा। तो उनका आदेश पाकर के वे कहाँ चल गई, श्री नकली धाम की ओर चल गई। जब श्री नकली धाम की ओर जा रहे हैं तो मार्ग में इनको फिर से एक सूचना मिली कि जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु हैं, ये दोनों प्रभु हैं, इन्होंने भी अपनी अप्रकटिता कर दी है। तो वहाँ पे फिर ये अत्यंत बिना में कातर हो गए क्योंकि उनके दर्शन करने जाना है किंतु वो फिर अप्रकट हो गए। फिर जब श्री नवदीप धाम में पहुँचे तो उस समय पे श्री वंशी वदनानंद प्रभु जी उनके इनको दर्शन प्राप्त हुए और श्री वंशी वदनानंद प्रभु जी ने क्या किया, उनको श्री विष्णु प्रिया देवी जी के दर्शन कराए। जैसा कि हमने कुछ दिन पूर्व महाराज से श्रवण भी किया था कि श्री वंशी वदनानंद प्रभु जी कौन है, भगवान श्री कृष्ण के वंशी ही हैं और फिर इनको श्री विष्णु प्रिया देवी जी के दर्शन हुए और श्री विष्णु प्रिया देवी जी का जो भजन जो उनका जिस प्रकार से भजन करती थी जो हमने कुछ दिन पूर्व श्रवण भी किया था तो उसको देख करके बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे उनकी भजन की रीति है। तो उसके पश्चात श्री जब नंदी धाम में आए कुछ समय बाद पता लगा कि जो गदाधर पंडित जी हैं उन्होंने भी अटक अकेला कर ली, अब तो इनका जो विरह है वो अत्यंत जो विरह अत्यंत बढ़ते जा रहा है। फिर उसके पश्चात ही आगे अपने नंदी धाम से अपने ही जो ग्राम पास में श्री जाजी ग्राम में आ गए और वहाँ पर आकर के रहने लगी। और इनको जो इनकी माता है, इनकी माता की इच्छा थी कि इनके पुत्र का विवाह हो जाए, श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी विवाह करने, किंतु इनकी विवाह करने की इच्छा नहीं थी। यदि भी इनको श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी ने क्या किया था, स्वप्न में आदेश दिया था कि तुम विवाह कर लो, किंतु फिर भी लज्जित हो रहे थे कि विवाह क्यों करूँ, किससे विवाह करूँ। किंतु जब श्री नरहरि सरकार ठाकुर इन्होंने इनको साक्षात आदेश दिया कि आप क्या करो, आप विवाह कर लीजिए, तो श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी उनके आदेश से उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इन्होंने विवाह कर लिया। और उसके पश्चात वहीं पे जाजी ग्राम में रहे और वहाँ पे जो अन्य अन्य भक्त थे श्री रघुनंदन ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सरकार ठाकुर जी, उन्होंने इनको आदेश दिया क्योंकि प्रेम में अत्यंत निवल है, कातर हो गए हैं बार बार, इनकी दशा को देखकर कहा कि तुम जाकर के वृंदावन में जाओ, श्री जाह्नवी देवी वो भी वहाँ पर थी, इनको आदेश दिया तुम क्या करो, तुम वृंदावन जाओ। तो उस समय सब वैष्णवों के आदेश को लेकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी वृंदावन में आ गए। जब वृंदावन में आ गए तो मार्ग में अत्यंत उत्कंठित हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, श्री रूप गोस्वामी पाद के दर्शन करूंगा, सनातन गोस्वामी पाद के दर्शन करूंगा, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, षट गोस्वामियों के दर्शन करने की अत्यंत उनके अंदर उत्कंठा है। किंतु जब वृंदावन पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन्होंने भी अप्रकटिता कर दी है और फिर से इनका विरह अत्यंत वहाँ पे तीव्र विरह का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनको समझाया, इनके विरह को शांत किया और इन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, उनसे इन्होंने दीक्षा को दीक्षामंत प्राप्त किया और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के आदेश से उनकी इच्छा से श्री जीव गोस्वामी पाद के निकट में रह करके इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। श्री जीव गोस्वामी पाद इनको श्री नरोत्तम, श्री श्यामानंद और श्री निवासाचार्य प्रभु, इन तीनों को वो क्या करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करवाते थे और इन तीनों को ही श्री नरोत्तम दास, उनको उपाधि दी श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ठाकुर उपाधि,
और श्रीनिवास, पहले इनका नाम था श्रीनिवास, इनको बाद में साथ में आचार्य, इसलिए श्रीनिवास आचार्य। और श्री श्यामानंद प्रभु, पहले इनका नाम था दुखी कृष्णदास और बाद में इनको नाम दिया श्यामानंद प्रभु। तो इस प्रकार से इनको नाम दिए और इस प्रकार से वो उनके निकट में शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। उस समय पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जी गोस्वामी बाद अन्य अन्य वैष्णवगण भी वहाँ पे उपस्थित थे। इन तीनों की योग्यता को देखकर, क्योंकि जो कविराज गोस्वामी हैं, जी गोस्वामी बाद ये सब तो अभी वृद्ध हो गए हैं और अभी ये सबके सब युवक हैं, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्री रघुनाथ ठाकुर, तो इन तीनों की योग्यता को देख करके, इनके शास्त्रों में प्रवेश को देख करके, तो इनको आदेश दिया आप क्या कीजिए, आप बंगाल में जा करके आप क्या कीजिए, महाप्रभु की वाणी का प्रचार कीजिए। तो इनको एक बहुत बड़े संदूक में, एक सुंदर संदूक में बहुत सारे ग्रंथ, श्री चैतन्य चरितामृत, षट संदर्भ हो गए और बहुत सारे ग्रंथ दे करके, जो बड़े ग्रंथ थे उस समय के, इनको प्रचार कार्य थे। जब मार्ग में जा रहे हैं तो ये भली भांति जानते हैं कि जो ये स्थान है जहाँ पे अधिकांश जो स्थान बीच में पड़ते हैं वहाँ पे मुस्लिम शासकों का राज्य है और मुस्लिम शासक वो क्या हिंदू विरोधी हैं। यदि उनको पता लग गया कि हम लोग इस प्रकार के जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के प्रचार के जो ग्रंथ हैं उनको लेकर के जा रहे हैं तो उनको नष्ट कर देंगे, इसलिए क्या करते हैं बहुत सावधानीपूर्वक उन ग्रंथों को लेकर के जाते हैं। रात्रि के समय कहीं पर रुकते तो कोई उनमें से कोई ना कोई एक प्रभु रात को अवश्य ही जाकर के पहरा दे रहा होता कि कोई ग्रंथ को चुराना नहीं। तो इस प्रकार से जब जा रहे थे मार्ग में तो फिर पहुँचे वन विष्णुपुर। वन विष्णुपुर में पहुँचे तो वहाँ पे जो वहाँ पे उस समय के जो राजा थे वीरहंगी, वो हिंदू राजा थे, तो वहाँ पे पहुँच करके ये कुछ निश्चित हो गए कि अभी हम जिस राज्य में पहुँचे हैं ये यहाँ पे हिंदू राजा का शासन है, इसलिए यहाँ पे इतना भी आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जो ग्रंथ है इनको कोई खतरा नहीं है। और जो वीरहंगी राजा था उनके एक ज्योतिषी थे, अत्यंत ही विद्वान ज्योतिषी, तो वो ज्योतिषी इस प्रकार का था कि कहाँ पे किसके पास धन है, किसने कहाँ छुपा के रखा है, उसको सब पता लग जाता था। तो उसने पूरी की पूरी गणना कर ली कि ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे एक संदूक के अंदर बहुत सारे अमूल्य रत्न मिलेंगे। तो उसने तो अपनी गणना के हिसाब से सही किया था अमूल्य रत्न, किंतु जानते नहीं थे कि वो अमूल्य रत्न इस संसार की कोई संपत्ति नहीं, वास्तव में क्या है उस पर जगत की वस्तु है। तो ज्योतिषी ने तो गणना सही करी थी, तो उस ज्योतिषी के कहने पर जो राजा वीरहंगी है उसने अपने कुछ सेनापतियों को, सेना को भेज करके कि जो भी उसको लेकर के जा रहा है उनकी जान को किसी प्रकार से खतरा नुकसान न करके क्या करना, आप उन जो पेटी है उसको वहाँ से संदूक को चुरा लेना। तो रात्रि में ये जो तीनों प्रभु हैं ये तो विश्राम कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है। और जो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, रात्रि में उस संदूक को चुरा लिया। अब प्रातःकाल जब ये तीनों उठे और देखा कि वहाँ पे जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ की जो पेटी है वो तो वहाँ पर है ही नहीं, तो तीनों के तीनों अत्यंत क्रंदन करने लगे, अत्यंत विनय में कातर हो गए। क्यों? क्योंकि इतने अमूल्य गौरव ग्रंथ, जैसे कि हम लोग श्रवण भी करते हैं कि श्री कृष्णदास विराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करी और उस समय में एक ही कॉपी थी और वो उन्होंने इसको दे दी, इनको प्रचार कार्य के उद्देश्य से दे दी। और बाद में जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं और श्री श्यामानंद प्रभु हैं, श्री रघुनाथ ठाकुर जी हैं, ये अत्यंत क्रंदन कर रहे हैं और निश्चय कर लिया कि अब तो हमारे पास प्राणों को त्याग करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। उन्होंने वृंदावन में एक संदेश भिजवा दिया कि जो ग्रंथों की जो पेटी है वो चोरी हो गई और फिर उन्होंने निश्चय किया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रंथों को किसी प्रकार से हमें इनको वापस प्राप्त करना है। तो जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं वो तो वहीं पर वन विष्णुपुर में रह गए और उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को प्रचार करने के उद्देश्य से खेतरी गांव में भेज दिया और जो श्यामानंद प्रभु हैं उनको प्रचार करने के उद्देश्य से उत्तर देश में भेज दिया और स्वयं वहीं पर रह गए। और वहाँ पर रह करके वो इस स्थान पर क्या करते, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करते और अत्यंत सुंदर व्याख्या करते, बहुत से भक्तों को श्रवण करने के लिए आते और उसके पश्चात क्रंदन करते रहते। तो राजा को जब पता लगा कि कोई एक साधु है वो क्या करते हैं, वो बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करते हैं, तो जो राजा वीरहंगी है वो इनके निकट में आकर क्या करते, भागवतम को श्रवण करते।
अब उनसे भागवतम को श्रवण करते तो जो जो वीर हम भी हैं इनका क्या हुआ, उनकी कथा को श्रवण करके उनके चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया। तो एक दिन एकांत ने इनसे प्रश्न पूछ लिया कि आप जो श्रीमद् भागवतम की जो व्याख्या करते हैं, कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, तो आप इतना ही ग्रंथन क्यों करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो श्यामानंद जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी हैं इन्होंने बताया कि कैसे किस प्रकार से हम जो इतने अमूल्य ग्रंथ हैं उनको लेकर के आ रहे थे, किंतु एक दिन रात्रि के समय क्या हुआ, वो किसी प्रकार से चोरी हो गई। तो राजा भी हमीर को जब ये पता चला कि जो ग्रंथ है वो इनके हैं तो अपने आप को अत्यंत धिक्कार करने लगे और वो संदूक जो पेटी थी उसको ला करके उन्होंने क्या किया, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के सामने लेकर के आ गए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वृंदावन में और अन्य अन्य श्रीमंतदास ठाकुर जी के पास में, श्यामानंद प्रभु जी के पास में संदेश भिजवा दिया कि ग्रंथ हमें प्राप्त हो गए हैं। और वहाँ पे जो राजा वीर हमने किए हैं उन्होंने क्या किया, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया और इस प्रकार वहाँ पे राजा का चरण आश्रय ग्रहण करने से वहाँ पे उनके माध्यम से भी बहुत अधिक प्रचार हुआ। तो जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं वो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतों की कथा के माध्यम से और कीर्तन के माध्यम से प्रचार करते थे और जो नरोत्तमदास ठाकुर जी हैं श्री श्यामानंद प्रभु जी हैं वो कीर्तन के माध्यम से प्रचार करते थे। तो उसके बाद जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी हैं वो फिर श्री मन विष्णुपुर से फिर से जाजीग्राम में आ गए। तो जाजीग्राम में आके वहाँ पे जो जो वहाँ के जो भक्त हैं उनको श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण कराते थे। तो एक समय ऐसे ही वो अपने स्थान में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जाजीग्राम में स्थान है, तो सामने से देखते हैं कि एक पूरी विवाह मंडली जा रही है। जब पूरी विवाह मंडली को देखा तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने देखा कि जो वर है वो अत्यंत सुंदर और उनको देख करके उन्होंने कहा कि देखो कितना साज बाजा करके कितनी तैयारी करके क्या कर रहे हैं, माया को अपने गले में डाल करके कितने बड़ा उत्सव कर रही हैं। माया को तो गले में बांधा हुआ है और इसका बोध भी नहीं है कि माया मेरे गले में फंसी हुई है और क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा उत्सव कर रही हैं। तो जब ये शब्द श्री रामचंद्र प्रभु उनके कान में पड़े तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के निकट में उपस्थित हुए और उनसे कथा को श्रवण किया और फिर उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया। उसके बाद कभी भी अपने घर वापस नहीं गए, कहीं कहीं वर्णन भी आता है कि वापस हो गए क्योंकि श्रीखंड में रहते थे और फिर उसके बाद वापस आ गए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनके चरणों का ही आश्रय ग्रहण कर लिया और ये क्या करते, बहुत ही प्रीतिपूर्वक बहुत प्रेम से अपने गुरु की सेवा करते, श्रीनिवास आचार्य प्रभु की सेवा करते। और जो उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात फिर से श्रीमन महाप्रभु उन्होंने श्रीनिवास आचार्य प्रभु को स्वप्न में आदेश दिया कि तुम क्या करो, तुम विवाह कर लो। यदि भी उन्होंने एक विवाह पहले ही कर लिया था श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के स्वप्न में आदेश देने पर और साक्षात रूप से श्री नारायणी सरकार ठाकुर ने इनको आदेश दिया तुम विवाह कर लो। अब फिर से इनको आदेश हुआ श्रीमन महाप्रभु का, स्वप्न में आदेश दिया तुम क्या करो, तुम विवाह करो। अब विवाह करने की इच्छा तो है नहीं, विवाह करना नहीं चाहते, किंतु फिर भी क्या किया, महाप्रभु के आदेश को शिरोधार्य करके उन्होंने क्या किया, फिर से विवाह कर दिया। अब यहाँ पे एक जो विषय समझने वाला है, जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु की जो क्रिया जो देखने में आती है कि इन्होंने क्या किया, दो बार विवाह किया। यहाँ पे इन्होंने जो दो बार विवाह किया वो अपनी इच्छा से नहीं किया, दोनों बार इनको प्रभु का आदेश हुआ। एक बार श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का, नरेंद्र सरकार ठाकुर जी का, और दूसरी बार श्रीमद् महाप्रभु का। तो यहाँ पे इनकी जो क्रिया है वो अपने प्रभु की संतुष्टि के लिए है, अपने किसी भोग की पूर्ति के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर इनकी इस क्रिया को देख करके कि वैष्णव के प्रति कोई दोष दृष्टि ना हो जाए तो उसे अत्यंत सावधान होना चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने योग्य जो वस्तु है कि जो श्री रामचंद्र कविराज जो प्रभु हैं वो तो किसके शिष्य हैं, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य हैं। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने स्वयं जब श्री रामचंद्र कविराज विवाह होकर के जा रहे थे, अभी बैठ के जा रहे थे, तो उनको क्या बोल दिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम माया को अपने गले में डाल करके अत्यंत घोबरा उत्सव कर रहे हो। तो यहाँ पे शिष्य को तो विवाह करने से, विवाह तो हो गया था किंतु निषेध किया कि संसार में जाना नहीं और स्वयं से क्या करें, स्वयं से दो विवाह कर दिए। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जो कविराज हैं उनके अपने गुरु के प्रति कैसी निष्ठा है कि गुरु की ऐसी वाली क्रिया को देख करके भी उससे विचलित नहीं हुए। वो भली भांति जानते हैं कि मेरे गुरु ने जो कार्य किया है वो किसने किया है, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए ही किया है।
तो इस प्रकार के उन्होंने वहाँ पे गुरु निष्ठा गुरु सेवा का आदर्श दिखाया। तो ठीक है, अभी तो समय हो गया है और फिर इसके विषय में जो बाकी है विषय में जो बाकी शाम के पास जब कृष्णा इसी जगत में अवतार ग्रहण करते हैं
अवतार ग्रहण करने से पूर्व वो क्या करते हैं, पहले गुरुवर्गों की अर्थात अपने गुरुजनों की संचार करते हैं, अर्थात गुरुजनों की अवतारणा करवाते हैं। कैसे, जैसे द्वापर युग में कृष्ण जब आए उनसे पहले उनके पिताजी नंद महाराज, उनकी माताजी यशोदा माता, उनके गुरुदेव गर्गाचार्य आदि समस्त गुरुजन कृष्ण से पहले आए। तो इसी प्रकार की उन कृष्णा जब राधारण के भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतीर्ण हुए, कृष्ण की भांति उन्होंने क्या किया, अपने गुरुवर्ग को इस जगत में पहले अवतारणा करवाए। कैसे, श्री माधवेंद्र कृपा अपने परम गुरुदेव, श्री ईश्वर कृपा अपने गुरुदेव और अपने पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा, माता जी सची माता आदि अनेक अनेक गुरुवर्ग कृष्ण से पहले आए और आकर के उन्होंने क्या किए, इस जगत में विभिन्न विभिन्न जो कृष्ण की लीला करने की जो मूल भित्ति उनको उन्होंने स्थापना किए थे। इसलिए श्री माधवेंद्र कृपा के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं कि भक्ति राधा की सर्वप्रथम अंकुर हुए उन्होंने। माधवेंद्र कृपा से पहले लोग वैधि मार्ग में भक्ति करते थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे वैधि मार्ग में, किंतु भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रस ये माधवेंद्र कृपा से पहले इस जगत में नहीं था, विशेष करके इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय सर्वप्रथम माधवेंद्र कृपा ही इस भक्ति रस को ही प्रदर्शित किए कि किस प्रकार के भगवान के साथ प्रेम में संबंध होता है। हम लोग श्रवण करते थे, हमारे गुरु महाराज ही बताते थे कि माधवेंद्र कृपा ऐसे भजन निष्ठ वैष्णव थे, क्या करते थे, अत्यंत वैरागी, अत्यंत वैराग युक्त। उनके वैराग कैसा है, वो किनसे मांगना तो दूर की बात है, वो अयाचित वृत्ति अवलंबन करते थे। अयाचित वृत्ति क्या होता है कि किसके कोई याचना नहीं करते थे, किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे, और अधिकतर अगर कोई बिना मांगे भी कुछ देता था तब भी ग्रहण करते थे, केवल मात्र अगर कोई दूध दे जाए तब ग्रहण करते थे, नहीं तो नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग देखते हैं गोविंद कुंड के पास श्री माधवेंद्र कृपा बैठ के भजन करते थे। एक दिन माधवेंद्र कृपा जी को किसी ने कुछ भी उस दिन माधुकरी दिए नहीं थे, सुबह से संध्या तक हो गया। इसीलिए क्या हुआ, माधवेंद्र कृपा संध्या में देखे कि एक छोटे बालक, बड़ा ही सुंदर बालक, वो क्या कर रहे हैं, एक लोटे में दूध भर करके लाए और माधवेंद्र कृपा को बोले, बाबा आप किसी कुछ मांगते क्यों नहीं हो, आप भजन करते हो, बूढ़े आदमी, बूढ़े व्यक्ति हो, आप मांगते क्यों नहीं हो किसी कुछ। तो माधवेंद्र कृपा ने उनके प्रश्न किए, तुमको कैसे पता चला कि मैं मांगता नहीं हूँ, मैं तुमको जब जानता नहीं, ना मैं तुमको कभी देखा, तुमको कैसे पता चला। उन्होंने बोले कि मेरे माता जी और हमारे जो बड़े बड़े गोपी हैं वो क्या करते हैं, इसी गोविंद कुंड से जल लेने के लिए आते हैं प्रतिदिन, और वो प्रतिदिन देखते हैं कि एक वृद्ध साधु वहाँ बैठ कर के भजन करते हैं, वो लोग कभी कभी दूर दे जाते हैं। आज लेकिन उन्होंने देखे कि अभी तक आपको किसी ने कुछ दिए नहीं थे, इसीलिए मेरे हाथ से उन्होंने भिजवा दिए, आप इसको ग्रहण करो। और माधवेंद्र कृपा जी बोले, ठीक है अभी रुक जाओ, आपका जो पात्र है उसको ले लेना अपने ग्रहण करने के बाद। कृष्ण ने बोले, नहीं नहीं लेने की जरूरत नहीं, आप ग्रहण कर, आप दूध पी कर रख देना, जब बाद में मैं अपने आप से ले लूँगा। माधवेंद्र कृपा बोले, ठीक है। दूध को जब ग्रहण किए, ना जाने आज उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे स्वादिष्ट दूध जैसे अमृत के समान आज तक मैंने कभी पिया ही नहीं था। और उसके पश्चात माधवेंद्र कृपा जब वो दूध पीते हुए जब रख दिए, थोड़ा सा उनको तंद्र आ गया, तंद्र आते हल्की से उनको नींद आ गया, तब उनके सपने में गोपाल जी आए, और वही गोपाल जी जो थोड़ी देर पहले ही एक छोटे बालक के रूप में आए थे, आदत उनको सपने में बोल रहे कि हे माधव, मैं तो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधव आशीर्वाद करेंगे सेवन, कब माधवेंद्र कृपा आएंगे और मेरा सेवा करेंगे, मैं क्या हूँ, मैं इसी आप जहाँ बैठे हो उससे थोड़ी देर बहुत अल्प दूर में ही एक झाड़ी के अंदर, एक मिट्टी के अंदर मैंने मुझे मेरे सेवक ने मुसलमानों की डर से गाड़ दिए हैं, इसलिए आप क्या करना,
मुझे वहाँ से निकालना और मेरा सेवा पूजा करना कृपा करके। तो वहाँ माधव की कृपा थी, एकदम से नींद खुल गया इसे सपने सुन करके। उन्होंने भी क्या कि जो गांव वाले थे सबको बुलाए, सबको बुला करके बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे गोपाल देव ने सपने दिए हैं, आप लोग मेरी सहायता करो और फिर हम लोग गोपाल देव की सेवा करेंगे। तो गोपाल जी को उन्होंने मिट्टी से निकाले और उनकी सेवा पूजा किए। सेवा पूजा कैसे किए, वर्णन आता है कि माधव की कृपा जी जिन माधव की कृपा अयाचित वृत्ति से भजन करते थे कि उनको कुछ किनसे कुछ भी मांगते नहीं थे, अगर कोई उसको कुछ देता भी था तब भी ग्रहण नहीं करते थे, केवल दूर ही ग्रहण करते थे। उन माधव की कृपा आज क्या कर रहे, सब लोगों को बुला बुला करके बोल रहे आप लोग आज सेवा करो। सारे जो बड़े बड़े राजा बड़े बड़े धनी लोग सबके साथ मिल रहे, पहले क्या करते थे सबसे दूर रहकर के एकांतिक रूप से भजन करते थे। श्री रूप गोसाई पाद ने भक्ति संघ सिंधु में युक्त वैराग्य और फल्ग वैराग्य की परिभाषा दी। क्या युक्त वैराग्य की परिभाषा क्या है, अनासक्त से विषय जता हम उपयोग्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। अर्थात विषय से संपूर्ण रूप से अनासक्त होकर के भगवान कृष्ण की सेवा के लिए क्या करते हैं, विषय को ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं युक्त वैराग्य। और फल्ग वैराग्य किसे बोलते हैं कि वैराग्यम फल्ग प्रत्यते। अर्थात भगवान मनुष्य भी परित्याग वैराग्यम फल्ग प्रत्यते, भगवान की जो सेवा वस्तु हुई है उसको भी वो क्या करते हैं मनुष्य की परित्याग कर लेते, उनको बोलते हैं फल्ग वैराग्य। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार की माधविंद कृपाल की जीवन में युक्त वैराग्य की पराकाष्ठा अर्थात युक्त वैराग्य की चरम सीमा यहाँ दिखा जाता है। भगवान पहले क्या करते थे, जो माधविंद कृपाल भगवान कृष्ण की भजन करने के लिए सारे जगत से अलग रहते थे और एकांत में बैठते थे, भजन करते थे, किनसे कुछ भी मांगते नहीं थे, जो देने पर भी ग्रहण नहीं करते थे। आज वही माधविंद कृपाल केवल मात्र भगवान की सेवा के लिए क्या कर रहे, भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ मांग रहे, सबके साथ आकर के मिल रहे, अपना समय उनको दे रहे। इस प्रकार की माधवेंद्र कृपाल की प्रचेषा से क्या हुआ, गोपाल जी को अन्नकूट भोग लगता था रोज, एक एक गांव मिलकर के एक एक दिन के अन्नकूट करते थे। अन्नकूट था जिस प्रकार की द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन की अन्नकूट महोत्सव किया गया था। अन्नकूट अर्थात पहाड़, अन्न की पहाड़, चावल की पहाड़ और विभिन्न विभिन्न सब्जियां उनके भी पहाड़, उसी प्रकार की माधवेंद्र कृपाल की आग्रह से जो आसपास की मथुरावासी और ब्रजवासियों थे उन्होंने क्या कि हर प्रतिदिन अन्नकूट महोत्सव करते थे। श्री कृष्णा सुराज जो समय वर्णन करते हैं इस महोत्सव को देख करके द्वापर युग में कृष्ण के द्वारा गिरिराज जी की जो अन्नकूट महोत्सव हुआ उसको स्मरण आ गया था। हमारे गुरु जी इसमें बोलते थे कि माधवेंद्र कृपाल गोपाल जी के लिए कितना कुछ व्यवस्था की, अन्नकूट महोत्सव रोज होता था तो माधवेंद्र कृपाल ग्रहण क्या करते थे, क्या उसे जो भगवान को भोग लग गया क्या ये सोचते थे कि भगवान को भोग लग गया हमने अन्न चावल ग्रहण कर लेते, नहीं, उनका वही नियम था जो दूध वाला वही दूध ही तब भी पीते थे जब भी भगवान को अन्नकूट भोग लगता था। किंतु माधवेंद्र कृपाल क्या करते थे, दूध ही पान करते थे और कुछ पान करते ही नहीं थे। इस प्रकार की उनकी वैराग्य था, इस प्रकार की उनकी युक्त वैराग्य की पराकाष्ठ था। तो इसके पश्चात क्या हुआ, गोपाल जी ने उनको बोले अभी मुझे बहुत अधिक भूख था, क्योंकि कितने दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरा भूख तो मिट गया क्योंकि मेरा शरीर अभी भी तक रहा है, मेरा शरीर अभी भी क्या, क्यों, क्योंकि मुझे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था मेरे सेवक ने और अनेक धूप बारिश आदि में सहन कर रहा अनेक दिन से, इसलिए मेरा शरीर क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। आप क्या करना, आप बहुत कृपा करके जाके जगन्नाथपुरी से एक मलय पर्वत है, मलय उत्कल देश से मलय पर्वत से चंदन लेकर आना और चंदन को मेरे शरीर में लेपन करना, इसके द्वारा क्या होगा मेरे शरीर की ताप दूर होगा। किंतु वास्तविक रूप में क्या भगवान को ताप होता है, गुरु जी बोलते हैं भगवान को कभी ताप होता है, भगवान सर्वांतर्यामी, भगवान सब कुछ करने समक्ष है, भगवान को कभी ना भूख लगता है, कभी प्यास लगता है, कुछ नहीं होता, किंतु फिर भी ताप क्यों हुआ, इसी क्या कारण है। इसलिए श्री कृष्णा सुराज दूसरे बात बोलते हैं कि गाढ़ प्रेम तारे लोग दिखाई थे, गोपाल आज्ञा देता तारे चंदन आए थे। अर्थात गोपाल देव की यहाँ आंतरिक उद्देश्य क्या है, हम लोग कल श्रवण कर रहे थे प्रहलाद महाराज जी
की शिक्षा में नरसिंह चतुर्दशी में हमारे गुरु जी जिस प्रकार के बताते थे कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो सब समय भक्तों की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए तत्पर रहते, भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर रहते। उसी प्रकार के भक्त किसे कहते हैं जो सब समय भगवान की महिमा को प्रकाशित करने के लिए व्यस्त रहते, भगवान की सेवा को प्रकाशित करने के लिए व्यस्त रहते। तो यहाँ गोपाल जी अपनी परम प्रिय भक्त माधवेंद्र कृपाद की महिमा को वास्तविक रूप में प्रकाशित करने के लिए ही उनको चंदन लाने के लिए बोले, ताकि उनको वास्तविक रूप में कोई गर्मी ना रहे। जो सारे जगत के अधिपति है उनको गर्मी लग सकता है, कुछ नहीं हो सकता उनको, क्योंकि भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए, भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए गोपाल देवी आ क्या करे, उनको बोले आप चंदन लेकर के आओ। और उस आदेश को श्रवण करके वहाँ भगवान क्या आया, माधवेंद्र कृपाद अत्यंत उल्लास के साथ क्या किए, निकल पड़े चंदन लाने के लिए। जबकि उन्होंने चिंता नहीं किए, अत्यंत वृद्धावस्था में भी चंदन लाने के लिए कहाँ से, वृंदावन से जगन्नाथपुरी कितना देर रास्ता, बहुत दूर है, जहाँ की उस समय पूर्व तक पैदल यात्रा करते थे, पैदल जाने में महीने लगता था जगन्नाथपुर में पहुँचने के लिए। किंतु तब भी माधवेंद्र कृपाद वृद्ध होने पर भी कोई भी चिंता नहीं की अपने स्वास्थ्य की। ये होता है जो भक्त उनकी भगवान की प्रति सेवा करती, भगवान की सेवा के लिए वो सब कुछ भूल जाते, भगवान की सेवा के लिए वो अपने स्वास्थ्य की भी कभी ध्यान नहीं रखते। इसी प्रकार की माधवेंद्र कृपाद क्या किए, अत्यंत उल्लास के साथ जब आ रहे थे रास्ता में, उत्कल राज्य में ही एक जगह उसका नाम है रेगुना, जहाँ गोपीनाथ जी की मंदिर था, वहाँ एक दिन के लिए रात में रुके थे और गोपीनाथ जी की विग्रह को दर्शन करते करके प्रेम में उन्मत्त होकर के नृत्य गान आदि किए थे। और वहाँ उनकी जो पुजारी उनको जब जिज्ञासा किए आप लोग आपकी ठाकुर जी को क्या भोग लगाते हैं, तो पुजारियों ने बोले विभिन्न भोग लगता है, क्योंकि उसमें विशेष जो था वो था कि अमृत केली थी, अत्यंत स्वादिष्ट। आज भी अगर हम जाएंगे खेड़चरा गोपीनाथ रेमुना में तो वहाँ की अमृत केली खीर का भोग लगता है, अत्यंत स्वादिष्ट। तो माधवेंद्र कृपाद जी ने अमृत केली खीर को देख करके उनके मन में एक इच्छा हुआ कि काश अगर मुझे भी किसी खीर से थोड़ा सा मिल जाता स्वाद उसके चखने के लिए, ताकि मैं भी मेरा गोपाल जी के लिए इस प्रकार की खीर बना सकता था। ऐसा मन में उनका आया। फिर कुछ समय पश्चात उनके मन में दूसरा भावना आया और स्वयं को धिक्कार करने लगे कि मेरे मन में ऐसे भोग वृत्ति क्यों आया, मेरे मन में मैं जो कि अयाचित वृत्ति अवलंबन करता हूँ, कोई वृत्ति कुछ देने पर भी लेता नहीं हूँ, केवल मन के दूध ही ग्रहण करता हूँ, आज मेरे मन में ऐसा वृत्ति क्यों आया, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। इसलिए अत्यंत पश्चाताप करके रो रो करके एक जगह बैठ करके हरिनाम कर लेते। उसी दिन रात में क्या हुआ, गोपीनाथ जी ने अपने ब्राह्मण पुजारी उनको रात में उठाया जगाए कि आप उठो। ब्राह्मण पुजारी ने जब किया उस दिन उन्होंने भी सोचा लगे आज तक मैंने बचपन से लेकर के गोपीनाथ जी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक तो मुझे कोई उनके कोई प्रत्यक्ष आदेश या कुछ प्राप्त हुआ नहीं था, आज प्राप्त हो गया। फिर भी स्वयं को धन्यवाद करके मंदिर में आए और गोपीनाथ जी उनको बोले तो आप मंदिर में आना और मेरे आंचल के नीचे मैंने एक कटोरी में कुल्लड़ में मैंने खीर छुपा मेरे वस्त्र के नीचे एक कुल्लड़ में मैंने खीर छुपा करके रखा है और उसको क्या करना, उसको आप ले करके मेरा भक्त है माधवेंद्र कृपाद उनको जा करके देना। तो उन्होंने जो कहते तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो सारे कुछ तो ले लिया था जो खीर था, लेकिन फिर भी गोपीनाथ जी बोलते जब मैं एक बार देख लेता हूँ, जब देखे सही में माधवेंद्र गोपीनाथ जी की वस्त्र के नीचे एक खीर के कुल्लड़ रखा हुआ था। उन्होंने गोपीनाथ के आदेश से लेकर के गए और जाकर के पुकारने लगे कि माधवेंद्र कृपाद कौन है, माधवेंद्र कृपाद कौन है, आप अत्यंत भाग्यवान है, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी किए हैं, माधवेंद्र कृपाद कौन है। तो इस प्रकार के बोल रहे थे तो माधवेंद्र कृपाद को सुनाई दिया और माधवेंद्र कृपाद ने बोले मैं हूँ माधवेंद्र कृपाद। क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण उन्होंने माधवेंद्र कृपाद को साष्टांग वंदना प्रणाम की, क्यों बोले आज आप अत्यंत भाग्यवान हैं, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर के आज तक गोपीनाथ जी का सेवा किया, किंतु मुझे कभी भी आज तक उनके प्रत्यक्ष दर्शन ना कोई प्रत्यक्ष आदेश कुछ प्राप्त हुआ, किंतु आज आपके कारण ही मुझे क्या हुआ, गोपीनाथ जी ने प्रत्यक्ष आदेश दिए, इसीलिए मैं आपके चरण में सबसे पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ। और उसके पश्चात माधवेंद्र कृपाद जी ने
अत्यंत नेत्रों में आशुपूर्ण नेत्रों से उस जो गोपीनाथ जी के द्वारा जब दिया गया खीर को ग्रहण किए और इतना प्रेम से ग्रहण किए कि जो कुल्हड़ था मिट्टी के कुल्हड़ उसको भी अपने अपने वस्त्र में छुपा करके रखे और रोज क्या करते थे टुकड़े टुकड़े करके उसको लेते थे। लेकिन उसकी पसंद क्या हुआ माधव की कृपा श्री विश्वनाथ कुल्हड़ उसके पास वर्णन कर रहे प्रतिष्ठा भय पूरी जान पालाया प्रतिष्ठा के भय से माधव की कृपा वहाँ से चले गए। क्यों? क्योंकि जब सुबह होगा तो वो जो पुजारी वो जाकर के सबको बोल देंगे कि माधवन पुरी के पास ऐसे श्रेष्ठ होते थे उनके लिए गोपीनाथ की साक्षात रूप में खीर जो किए। लेकिन गुरु जी वहाँ एक चीज़ हमको बताते थे कि वहाँ जो गोपीनाथ जी उन्होंने ब्राह्मण को क्यों भेजे खीर देने के लिए स्वयं क्यों गए? जब दूध देने की बारी आया तब तो स्वयं चले गए, अब खीर देने के लिए ब्राह्मण को क्यों भेजे स्वयं क्यों नहीं गए? उसके लिए गुरु जी बोलते थे कि गोपीनाथ जी स्वयं जानते थे माधवन की कृपा क्या है, अत्यंत दीन ही वैष्णव थे, वो प्रतिष्ठा से सब समय डरते रहते हैं। इसलिए जब पहली बार जब मैंने उनको खीर दिया दूध दिया था मैंने दूध तो पी लिए लेकिन किसी को बताया नहीं क्यों, क्योंकि लोग पता चल जाएगा मेरी कहना लोग मेरी प्रतिष्ठा मुझे प्रतिष्ठा देंगे इसलिए किसी को बताया नहीं। क्योंकि इस बार गोपीनाथ जी माधव ने कोई बात की पुनः उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए अपने भक्तों के माध्यम से ब्राह्मण के माध्यम से खीर भेजे ताकि क्या करेंगे ब्राह्मण सब लोगों को सामने भक्त की महिमा को ही प्रकाशित करेंगे। यहाँ भी गिना गया कि किस प्रकार के भगवान भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं। और उसके पश्चात इसलिए माधव ने कोई बात फिर माला पर्वत वहाँ गए जगन्नाथपुर में और राजा को सब सारे वृत्तान बताए। राजा ने उनको फिर सहर्ष जितना चंदन ले सकते लाने के लिए बोले और माधव के पास लेकर के आए। और जब वो वहीं रेमुना में पहुँचे तो वहाँ पुनः गोपीनाथ जी का सपना आया कि आप क्या करो उस जो चंदन है बिछ करके उस गोपीनाथ जी को ही लगाओ क्योंकि मैं और गोपीनाथ जी हम दोनों अभिन्न हैं उनको लगाने से ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए माधव के पास उनको जो पुजारी है उनको कुछ सेवकों की सहायता मांगे और सेवकों की सहायता से गोपीनाथ जी के शरीर में चंदन का लेपन किया। इस प्रकार की माधव ने कृपा की गोपीनाथ जी के साथ अत्यंत प्रेम में संबंध था और तब से ही गोपीनाथ जी का नाम खीरचर गोपीनाथ पड़ गया। भक्तों की सेवा के लिए उन्होंने अपने जो चोरी के नाम को भी अपने ऊपर ग्रहण किया खीरचर गोपीनाथ जी। बोल श्री माधव ने कृपा जी की जय खीरचर गोपीनाथ जी की जय। ओम ज्ञानतिमिरांगस्य ज्ञानं विशलभ्यः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमं यज्ञकर्मणाधीतं गुरुपादपद्मनिधिलीलाप्रविष्टशिशुमे भक्तिविज्ञानशिलाभारती गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम ज्ञापन करता हूँ एवं अभिन्न गुरु पाद पद्मिनी तलीला प्रविष्ट शिशु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी श्रीपाद संजय प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम श्रीपाद महाराज जी प्रभु जी। एंड हमें सबसे मैं वैष्णव का जो आविर्भाव तिरुभाव है हम उसका गुरु परंपरा में रहकर पालन करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे गुरुवर है बोलते हैं एक बात को कृष्णदास कविराज जी बोलते हैं वैष्णवेर गुणगान करीले जीवन त्राण। मतलब वैष्णव के जो चरित्र है जो वैष्णव के आविर्भाव तिरुभाव है उनका हम सब समय गुणगान करना चाहिए और हम गुरु परंपरा में आकर उनका गुणगान करते भी हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सबको ये बताया भी कि वैष्णवेरे जी वैष्णवेरे गुणगान करिले जीवन त्राण। एक जगह चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं
कि एते की करेलू आगे भक्तेर वंदन अतएव आचे कार्य सिद्धिर लक्षण। तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर ने बता दिया एक एते के करेलू आगे भक्तेर वंदन, यहाँ सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि भक्तों की वंदना की। तो भक्तों की वंदना करने माध्यम से उनका जो आगे का कार्य है वो अपने आप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अपने आप से आगे पूर्ण हो जाता है। तो आज जो शुभ तिथि उपस्थित हुई है श्री राधा रमन जी की प्राकृत तिथि है, श्री माधवेंद्रपुरी पाद और श्री परमेश्वर दास ठाकुर इनकी आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, तो आप आज हम उनका विशेष रूप से पालन कर रहे हैं महाराज जी के अनुगत में। तो परमेश्वर दास ठाकुर है उनका संक्षेप में वर्णन दिया गया, तो हम उसका कुछ दो पाँच मिनट सुनेंगे। जो परमेश्वरी दास ठाकुर थे गणोपदेश दीपिका में वर्णन मिलता है कि वो ब्रज लीला में क्या थे, द्वादश गोपालों में से एक अर्जुन सखा थे, अर्जुन नामक सखा थे। तो ये जो परमेश्वर दास ठाकुर थे इनका जो जन्म हुआ था आविर्भाव हुआ था एक वैद्यपुर में हुआ था, आंतपुर नामक ग्राम था, वैद्यपुर में इनका आविर्भूत हुआ था। ये नित्यानंद प्रभु के प्रमुख निज जन थे, परिकर थे। तो आज के दिन जो महापूर्णिमा है वैशाख की महापूर्णिमा, आज के दिन इनका आविर्भाव हुआ तिरुभाव हुआ था आज के दिन। तो हम इनका कुछ श्रवण करेंगे कि परमेश्वर दास ठाकुर कहते नित्यानंद प्रभु के निज जन थे। एक समय वर्णन आता है कि जानवा माता के साथ ये वृंदावन गए, वृंदावन में जब गए थे तो राधा गोपीनाथ मंदिर में राधा जानवा माता की कृपा से इनको राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए और वहीं पर ही प्रेम आवेश हो गए, प्रेम में आवलावित हो गए। उसी समय जानवा माता ने उनको आदेश दिया कि आप अपने गांव जाकर अपने ग्राम में आंतपुर में जाकर वहाँ क्या करना कि राधा गोपीनाथ जी के विग्रह की स्थापना करना। तो राधा गोपीनाथ जी की वो शीघ्र जाकर वहाँ पर उन्होंने उनकी विग्रह स्थापना की। ये नित्यानंद प्रभु के प्राण धन थे। तो एक जगह बताते हैं कि नित्यानंद जीवेर परमेश्वरी दास जहाँ विग्रह नित्यानंद विलास। जो परमेश्वर दास ठाकुर थे नित्यानंद प्रभु इनके हृदय में नित्य विलास करते थे। इनके साथ एक समय ऐसा आया कि नित्यानंद महाप्रभु ने इनको आदेश दिया, नित्यानंद प्रभु को और जो नित्यानंद प्रभु के जन थे। तो एक समय कृष्णदास पंडित परमेश्वर दास ठाकुर ये चार पांच लोग एक समय ग्राम में गए। उस ग्राम में ये भाव विभोर होकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और इतना उच्च संकीर्तन करते हैं कि वहाँ के जो आसपास के लोग द्वेषी लोग थे वो क्या करते थे, द्वेष करने लगे, उनसे जलन होने लगी कि इतना जोर जोर शोर से संकीर्तन कर रहे हैं। तो किसी ने क्या किया, द्वेष के कारण उन्होंने जो संकीर्तन मंडली थी जहाँ पर भाव विभोर होकर परमेश्वर दास ठाकुर संकीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने एक नृत्य शिकार अर्थात एक शिकार को उन्होंने सिहार को उन्होंने उस संकीर्तन मंडली में डाल दिया। तो परमेश्वर ठाकुर जो भाव विभोर होकर संकीर्तन कर रहे थे उनकी जो संकीर्तन ध्वनि के प्रभाव से जो उनके भाव के प्रभाव से वो जो मृत शियार था वो भी क्या हुआ, गीदड़ जग उठा, मतलब जो उनकी उसकी मृत्यु हो चुकी थी वो क्या करने लग गया, नृत्य करने लग गया। तो वहाँ पर ये सब देखकर जितने भी लोग थे जो द्वेषी लोग थे जो कीर्तन मंडली में नृत्य कर रहे थे परमेश्वरी ठाकुर के इस
सिद्धि मतलब जो उनके अंदर सिद्धि थी कि जो मृग शिहार है वो भी जाग उठा और इतना आनंद पूर्वक वो भी नृत्य करने लगा संकीर्तन मंडली में कि इसका जगह जगह ख्याति होने लगी कि परमेश्वर दास ठाकुर जी कितने प्रभावशाली हैं। परमेश्वर दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के बहुत ही एक निजी जो बताते हैं गण थे। तो एक बार बताते हैं कि कृष्णदास पंडित और परमेश्वरी ठाकुर ये दोनों कृष्ण लीला में सका थे। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने उनको कुछ एक आवेश में लाकर उपस्थित किया तो उस समय वो क्या करते हैं कि अपने आप में ही नाचते हैं आहा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु के निज जन हैं और कृष्ण लीला में सखा थे। तो कृष्ण बलराम के साथ में ये उस समय हाहा करते थे। तो इस समय भी यहाँ पर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, चैतन्य भागवत में इनका वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर जी करते हैं। एक जगह आता है कि परमेश्वरी दास नित्यानंद शरण कृष्ण भक्ति पाए तार ये करे स्मरण। परमेश्वरी दास नित्यानंद प्रभु की एकमात्र शरण लेते हैं। और यहाँ वर्णन आता है कि चैतन्य भागवत में कि नित्यानंद प्रभु की शरण लेने से जो भी परमेश्वर दास ठाकुर जी का स्मरण करता है, परमेश्वर दास ठाकुर जी का उनकी तिथि पालन करता है, उनके विषय में सुनता है, उनके गुणगान करता है, तो क्या करते हैं उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये महिमा है वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव, उनका जो जीवनी है उनको श्रवण करना, हमें गुरु वैष्णव के माध्यम से उनको उनकी सेवा उनका श्रवण करना है ना, उनकी तिथियों का पालन करना समय समय पर। तो आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है तो मैं उनके एक छोटी सी पुष्पांजलि वाणी के माध्यम से दे सका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रकार ब्रह्मचार्य वृंद के माध्यम से तीन आचार्यों का जो आविर्भाव तिरुभाव तिथि उसका शब्द और कीर्तन के द्वारा पालन किया गया। संध्या के समय में जो हमारी इंग्लिश में कथा होती है उसमें श्री राधा रमन जी का प्राकट्य, और वो प्राकट्य का कारण क्या उसमें बहुत विस्तार है, कोई एक साधारण सी बात नहीं। किसी गोपाल भट्ट गोस्वामी क्रंदन किए, एक सेठ जी ने आकर अलंकार दे दिए और कैसे अपने ठाकुर जी को मैं ये अलंकार पहनाऊं, मेरे ठाकुर तो शालिग्राम हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के क्रंदन से वे शालिग्राम जी त्रिभुवन ललित श्री राधारमण जी के रूप में प्रकट हुए, ये बात तो सुन रखी है, परंतु इसका और भी बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है। राधारमण श्री कृष्ण ही तो राधारमण है। हरे कृष्ण महामंत्र में भी हम हर रोज राधारमण जी का नाम उच्चारण करते हैं। अंग श्यामल स्नामे श्याम कृत कांचन, अपनी श्याम श्यामल कांति के द्वारा गौर कांति को भी ढक दी। राधे राधे साधु सर्वदा कृष्ण निबद्धते, राधा रामन जी का नाम हम हर रोज उच्चारण करते हैं, माला पर जाप करते हैं। लेकिन किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी अंग श्याम अपनी श्यामल कांति से गौर कांति को ढका, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत विस्तार है। तो मैं नहीं चाहता कि 5 मिनट में ही ये हो भी नहीं सकता,
लेकिन विस्तार से इसको हम संध्या में श्रवण करेंगे। आप लोग उपस्थित रहेंगे 5:30 से 6:30 बजे, हरि नाम जप करेंगे और फिर 6:30 बजे आरती दर्शन होगा। 6:30 से 7 तक आरती और 7 से 8 हम लोग श्री राधा रमन जी के विषय में श्रवण करेंगे। और जो तिथियाँ थी उसके संबंध में ब्रह्मचारी जी कह चुके, हमारे मठ के ब्रह्मचारी सभी बड़े परम विद्वान, सारा दिन ये अध्ययन करते हैं, श्लोक मुखस्थ करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी समय ये व्यर्थ नहीं जाने देते। ये देखकर बड़ा प्रसन्नता होती है, बड़ा हर्ष होता है। यही हमारी शिक्षा है, इसी कारण से मठ स्थापन है। श्री प्रभुपाद जी श्री गुरुदेव ने मठ इसी उद्देश्य से स्थापन किया, जहाँ पर छात्र वास करके पठन पाठन कार्य करेंगे। इसे अभी प्रत्येक दिन ही ऐसे ही होगा, सुबह जो 8:30 से 9:30 कथा होती है उसमें आधा घंटा ब्रह्मचारी वृंद कथा सुनाएंगे और फिर आधा घंटा मैं कुछ कथा सुनाऊंगा हिंदी में, ऐसे ही होगा। आप लोग बड़े ध्यान से श्रद्धा से प्रेम से उस कथा को सुनिए, जो कुछ भी सुनते हो साथ ही साथ उसको थोड़ा लिखने का प्रयास करो। जो सुना दोपहर तक सब भूल जाएगा, लेकिन एक अभ्यास है, जब हम कुछ सुनते हैं और साथ साथ लिखते हैं वो स्मरण रहता है। और दिन में एक बार कभी दोपहर में या संध्या में जो लिखा अपने हाथों से उसको फिर एक बार पढ़ लेना, बस वो प्रसंग याद हो जाएगा। यही उपाय है। इसलिए आज बहुत समय हो गया और भक्तों को पारण भी करना है, कल व्रत था तो पारण का समय भी 10:01 तक ही है और 15 मिनट मात्र रह गए। इसलिए आप सभी लोग अभी पारण के लिए उपस्थित हो जाओ। श्री माधवपुरी पाल जी भक्ति के प्रथम अंकुर, जो भाव श्री राधा रानी उद्धव कैरी में आस्वादन करती हैं, जो 10 जल्प उन्होंने वहाँ कहे, ठीक उसी श्रृंखला में श्री महाप्रभु जी भी, कहा मोर प्रहारनाथ मुरली वदन, कहा करूँ कहा पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु जी उसी भाव में विभावित होकर, क्या महाप्रभु जी कृष्ण को दर्शन ही करते? स्वयं श्री कृष्ण है, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, तो अपने को ही खोज रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं राधा जी के भाव के अनुगत होकर। इसे कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, और यही बात तो श्री राधा जी भी वो 10 प्रकार के जलकों में कहते हैं। और उसी श्रृंखला में श्री माधवेंद्रपुरी पाल जी भी, अरे दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदा वो लोग खुशी, हृदय तब अलोक का करूं दई तो भ्रमति किन करो मैं हम, हे मथुरा नाथ हे श्री कृष्ण आप कहाँ हो, मेरा हृदय आपके अदर्शन से विदीर्ण हो रहा है। तो क्या श्री माधवेंद्रपुरी पाल श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहे? क्या राधा जी वहां पर जल 10 प्रकार के जो जल उच्चारण कर रहे हैं ठीक उसी श्रृंखला में ही महाप्रभु जी और उसी श्रृंखला में श्री माधवेंद्रपुरी पाल जी? इसलिए कहा कि इस संसार में 3 व्यक्ति ही उस भाव का स्वादन करते हैं। तो भक्तों ने उनका चरित्र वर्णन किया, बाकी फिर हम लोग सुनेंगे संध्याकालीन समय में श्री राधा रमन जी के विषय में बड़े विस्तार से उस लीला को हम श्रवण बोलो। श्री राधा रमन की गौर प्रेमानंद अभी दर्शन होगा ठाकुर जी का।
की जय श्री राधा रमन जी की जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। इतना ही बहुत प्रेम